बच्चों हम डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, पाचन तंत्र के बारे में, और हमने कुछ पॉइंट वापस दोहराना चाह रहे हैं जिससे हमारे को समझ में रहे कि जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस जो स्टोमक में बनता है उसका कार्य एक बार वापस दोहराएंगे, क्योंकि हम वैसे आगे पहुंच गए थे इंटेस्टाइन में, डाइजेशन के अंदर पहुँच गए थे, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में इसको समझाएंगे, फिर वापस आगे इंटेस्टाइन की ओर बढ़ेंगे कि गैस्ट्रिक जूस जो पैरेटल सेल्स और सेंट्रल सेल्स है उसके अंदर से एचसीएल का फॉर्मेशन होता है। उस सेल्स का स्ट्रक्चर आपको मालूम है कि इस तरह से सेल्स थी जिसके अंदर ये इस तरह की सेल्स पाई जा रही थी, फिर इसके अंदर इस तरह की सेल्स पाई जा रही थी और स्टमक के अंदर ये इस तरह से सेल्स ये यहाँ पर इस तरह से थी, इनमें एचसीएल का फॉर्मेशन हो रहा था। गैस्ट्रिक जूस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, संगठन क्या है उसका, उसमें एचसीएल पाया जाता है, उसकी पीएच 1.2 से 1.8, इट इज हाईली एसिडिक है, अम्लीयता बहुत होती है, अत्यधिक अम्लीयता, पानी 97 से 99% इसके अंदर होता है। इस पानी का काम है कि जो मुंह में खाना हमने डाइजेस्ट चबाया उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ा था उसको पानी में मिला करके ये काई में चेंज कर देता है। इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं पेप्सिनोजन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, और पाई जाती है म्यूकस। एचसीएल का काम क्या है, मुंह में जो खाना चबाने के बाद में इसोफेगस से होता हुआ स्टोमस में आया उसको ये अम्लीयता प्रदान करता है, और मुंह के अंदर जो टाइलिन था उसके कार्य को ये रोकता है, और मुंह के अंदर जो खाना आया था उसके अंदर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई है तो उसकी सड़न को भी, यानी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी है, बैक्टीरिया से बैक्टीरिया को पनपने से ये रोकता है। यहाँ जो एचसीएल बन रहा है ये बहुत अत्यधिक अम्लीय है, इसकी पीएच 1.2 से 1.8 के बीच में रहती है, पानी 97-99% इस गैस्ट्रिक जूस का पार्ट है, एंजाइम पेप्सिनोजन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज और यहाँ पे म्यूकस पाई जाती है। बात यह आती है कि जब इतना हाई अम्लीयता वाला हाई एसिडिक एचसीएल जब स्टोमक में बन रहा है, ये स्टोमक इस तरह से यहां बन रहा है, ये स्फिंक्टर लगे होते हैं, ये बात दो कार्डिक पाइलोरिक फंड पार्ट होते हैं, तीन पार्ट बताया था। तो ये एचसीएल जो यहाँ प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है तो आमाशय की दीवारों को क्यों नहीं पचा लेता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इतना हाई एसिडिक जो एचसीएल आपने बाथरूम के अंदर टॉयलेट क्लीनर के तरह यूज करते हैं उसमें एसिड होता है उतना ही तेज ये है, यदि यहां अगर हम हाथ डाले तो हमारी हाथ जल जाएगा, तो ये स्टोमक खुद क्यों नहीं गल जाता। इसके लिए आंसर ये है कि यहां पे म्यूकस लेयर पाई जाती है, यहां म्यूकस लेयर पाई जाती है, ये म्यूकस ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ये बफर का काम करती है, इसका काम क्या है कि ऑटो डाइजेशन का इसको रोकना, आमाशय के स्वपाचन को रोकना, ये ग्लाइकोप्रोटीन एसिड से बचाती है, ऑटो डाइजेशन से रोकती है। गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम्स की बात कर रहे थे अपन, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन अक्रिय होता है, एक्टिव नहीं होता, वो इनएक्टिव होता है, अक्रिय। ये अक्रिय पेप्सिनोजन इस एचसीएल जैसील बना इसकी प्रेजेंस में पेप्सिन यानी ये सक्रिय हो जाता है,
ये एक्टिव हो गया। अब एक्टिव होके क्या करेगा, ये पेप्सिन हो गया इस। अब पेप्सिनोजन अगर बहुत ज्यादा है तो ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है पेप्सिन। तो पेप्सिनोजन से इस जो पहले जो पेप्सिन बना, पेप्सिनोजन पेप्सिन बना, इस पेप्सिन की प्रोसेस में पेप्सिनोजन से पेप्सिन अपना बनेगा। पहले तो एचसीएल से बना ये, अब जो ये पेप्सिन है ये यहाँ पे ऑटो कैटलाइजेशन स्व उत्प्रेरण खुद ही ये काम कर देता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता चला जाता है। ये बार बार यहाँ से इसमें चेंज होता रहेगा, ये यहाँ से चेंज होता रहेगा, ये यहाँ से चेंज होता रहेगा। इसको कहते हैं स्व उत्प्रेरण, ऑटो कैटेलाइजेशन। इस पेप्सिन का काम क्या है, जो हमने खाना खाया, हमारे खाने में बैलेंस डाइट में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट मिनरल्स वाटर विटामिन होते हैं, तो प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन यहाँ हो जाता है। प्रोटीन प्रोटियोजेज और पेप्टोन में टूट जाएगा। एक एंजाइम और पाया जाता है छोटे बच्चों के अंदर, ये जनरली होता है रेनिन, जिसको काइमोसिन या रेनिन भी कहते हैं। इसका काम ये कैसिनोजन प्रोटीन जो छोटे बच्चों के अंदर सोल्यूबल प्रोटीन होती है वो रेनिन कैसिनोजन दूध छोटे बच्चों को आपने देखा होगा गोद में लेते हैं अपन, गोद में लिया आपने थोड़ा सा उसको थपाया तो मुंह में से वाइट वाइट सी चीजें निकल जाती है, आप देखते हैं कि मिर्चल की कर दी उसने, उल्टी कर दी, उल्टी कुछ नहीं है, यही है, यही वो चीज है। कैसिनोजन कैसिन में चेंज हुआ, अब ये कैसिन अविलय हो गया और कैल्शियम की प्रेजेंस में ये पैरा कैसिन में, ये पैरा कैसिन में बदल जाता है। और ये पैरा कैसिन इस पेप्सिन जो पहले से यहां बन रहा है, पेप्सिन की प्रेजेंस में प्रोटियोजेज और पेप्टोन, क्योंकि क्या है ये कैसिनोजन है तो प्रोटीन ही, मिल्क प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन प्रोटियोजेज और पेप्टोन में चेंज हो जाएगी। एक बार पेप्सिन ने प्रोटीन पे काम कर दिया, दूसरा काम रेनिन ने कर दिया, तीसरा गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज यहाँ पाया जाता है लेकिन स्टोमक में ज्यादा काम प्रोटीन का ही है। यहाँ पे फैट स्प्लिटिंग यानी फैट का टूटना विपटन हो जाना होता है, लेकिन बहुत ज्यादा फैट यानी होता है, फैट का काम आगे इंटेस्टाइन में होता है। ये मोटा मोटी गैस्ट्रिक जूस के एक्शन का काम है और इसके अंदर म्यूकस पाई जाती है जो उसको ऑटो डाइजेशन से रोकती है।